Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean to find them. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Hello guys. Welcome to lecture number 2 of Measurement of Matter. Chapter number 4 of class 9 science. Last lecture में हमने laws of chemical combination पढ़े थे. इस chapter में हम chapter का second part पढ़ेंगे. That is atom. साइज मास एंड वैलेंसी. सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ेंगे. एटम के बारे में आपने स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. मैं आपको एक शॉर्ट में व्यू बता देती हूँ कि एटम क्या होता है. तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं उसके उसका सबसे छोटा पार्ट, उसका सबसे छोटा पार्टिकल यानी कि एटम. अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम पढ़ने से पहले. तो एटम जो है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उससे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते. तो क्या आंखें बंद करके देखेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि खुली आंखों से नहीं देख सकते. इसका मतलब है कि हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा एटम को देखने के लिए. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप भी जो है वो एकदम हाई पावर का होना चाहिए. दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं एटम को एकदम डिटेल में देखने के लिए. तो एटम एक्चुअली दिखता कैसा है? एटम के दो पार्ट होते हैं. एक तो बाहर का पार्ट जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक होता है अंदर का पार्ट जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट. अब ये क्या होता है? तो एटम जो है उसमें बीच में होता है एक न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा, इतना छोटा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप ने क्रिकेट देखा होगा. ठीक है, आप लोगों को क्रिकेट पसंद होगा. तो क्रिकेट देखते टाइम क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है लगभग वो इतना बड़ा होता है ग्राउंड. ठीक है, उसके बीच में आप जाके एक क्रिकेट का बॉल रख दो, जिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं ना, उस बॉल को ले जाकर इस ग्राउंड के बीच में रख दो. तो इस ग्राउंड के कंपैरिजन में बॉल जितना छोटा है उतना ही एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस छोटा होता है. तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा. ठीक है, और एक बात कि जो न्यूक्लियस है वो हार्ड पार्टिकल होता है, यानी न्यूक्लियस बहुत ही हार्ड होता है. ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो पार्टिकल्स होता है. एक होता है प्रोटॉन, इसको ध्यान से सुनिए, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अगर आप लोगों को एटम के बारे में पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार सुन लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, या फिर स्किप कर लीजिए अगर आपको बोर हो रहा है. लेकिन जिसे नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर की तो बात कर ली, न्यूक्लियस के बाहर की बात करते हैं. मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं. अब ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऐसे राउंड राउंड कलर के पाथ्स बने होते हैं. ठीक है, पाथ होते हैं. किसका पाथ है? ये इलेक्ट्रॉन का. ये जो राउंड ऑर्बिट्स है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है. अब इलेक्ट्रॉन्स एक नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. अब ये एटम पे डिपेंड करता है. हर एटम में इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं होते, हर एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का पार्ट यानी न्यूक्लियर पार्ट, और न्यूक्लियस के बाहर का ये पूरा पार्ट यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है, तो एटम में हमने पढ़ा कि एटम में दो पार्ट्स होते हैं. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. From which experiments was it discovered that atoms have an internal structure when? अब मैंने आपको last lecture में बताया था कि जब Dalton ने, आपको याद होगा Dalton first ही question था, तो जब Dalton ने अपनी atomic theory दी थी तो उसने बताया था कि atom जो है वो सबसे छोटा particle है matter का, और उसने ये भी बताया था कि atom is non-divisible, यानी हम atom को और cut नहीं कर सकते, उसे और अंदर नहीं देख सकते, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. ये किसने बताया था? डाल्टन ने. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि बाद में चल के ये रॉन्ग साबित हो गया. क्यों? क्योंकि बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड. अब ये रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आपको नहीं दिया गया है, लेकिन रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव कर दिया कि जो एटम है वो डिवाइड होता है
और एटम के अंदर दो रीजन्स होते हैं, इनर न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एटम में साथ में तीन पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम में तीन पार्टिकल्स भी होते हैं। ये पार्टिकल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन है ये भी न्यूक्लियस के अंदर है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन को कहा जाता है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है? जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, उसे कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। और अब बच गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, राइट? तो आपको ये याद रखना है कि पार्टिकल्स कितने हैं और कौन से पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है। अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एटम, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। अब दो पार्ट्स कौन से होते हैं एटम के, मैंने आपको बताया, एक तो होता है इनर न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लियस का जो अंदर का पार्ट है यानी इनर न्यूक्लियर पार्ट, वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें आते हैं, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। वी हैव लर्न दैट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियस एंड दैट देर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो हमने क्या पढ़ा कि एटम का जो सेंटर है वहाँ पे तो न्यूक्लियस होता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाई देते हैं, बट ये ऑर्बिट्स तो दिखाई नहीं देते, ऑर्बिट्स नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्बिट्स रियल में होते ही नहीं हैं। अब ऑर्बिट्स नहीं होते तो ऑर्बिट्स को हम पढ़ते क्यों हैं, बनाते क्यों हैं डायग्राम में? वो इसलिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम ईजी कर पाए। इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पाथ में घूमते रहते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमते रहते हैं। अब ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, उसी पाथ का नाम है ऑर्बिट, ठीक है। ये ऑर्बिट्स रियल में नहीं होते, बट जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसी को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है ऑर्बिट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाइल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। ये बात इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको अभी बता भी दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है यानी माइनस होता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर वाले दो पार्टिकल्स हैं कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ना तो वो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ठीक है गाइस। लुक एट द इमेज ऑब्टेंड विथ अ फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। अब एक माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम है फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, उसमें से ये इमेज ली गई है, इमेज आपको दिख रही है। तो इस इमेज में क्या बताया गया है, इसमें बहुत सारे एटम्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इमेज है वो किसी एक एटम की नहीं है, यहाँ पे इमेज में जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो हर पॉइंट एक एक एटम है। तो आप देख सकते हो कि एटम कितना कितना स्मॉल है, कि फील्ड आयन माइक्रोस्कोप से भी हम इसको नहीं देख पा रहे। अगर आपको अच्छे से देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है गाइस। द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। अब जो एटम का साइज है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो एटम का साइज है वो रेडियस से पता चलता है। अब एटम का रेडियस क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। मान लीजिए कि ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एटम में, हर एक एटम में, ध्यान से सुनिएगा, हर एक एटम में डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं। तो मैंने अगर आपको कहा कि ये गोल्ड का एटम है, तो गोल्ड के एटम में हो सकता है अलग नंबर हो ऑर्बिट्स का, वैसे ही सिल्वर के एटम में अलग नंबर हो ऑर्बिट्स का। तो मान लीजिए ये एक एटम है जिसमें दो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, दो ऑर्बिट्स हैं इसमें, तो एक ऑर्बिट और दो ऑर्बिट। और एक एटम है जिसमें तीन ऑर्बिट्स हैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर से गिनते हैं, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है एटमिक रेडियस के बारे में। रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से लेकर
आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से गिना जाता है, एन को मिटा देती हूँ। तो न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहाँ से गिनते हैं हम रेडियस को। तो ये है न्यूक्लियस का सेंटर, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो भी डिस्टेंस है वो होता है आर, यानी कि रेडियस। तो द एटमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो एटमिक रेडियस क्या है, एक आइसोलेटेड एटम में जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के बीच से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का, ठीक है। लेकिन ये आइसोलेटेड एटम क्या होता है, यहाँ पे आइसोलेटेड एटम क्यों लिखा है, सिर्फ एटम ही क्यों नहीं लिखा है? तो इसके पीछे भी रीज़न है कि आप जब नेचर में देखोगे तो जो एटम्स हैं वो हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। कंबाइंड स्टेट क्या होता है, कंबाइंड स्टेट यानी मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है। O2 यानी दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड है ऐसे, ठीक है। ऐसे फॉर्म में हमें जो ऑक्सीजन है वो मिलता है, कभी भी ऑक्सीजन जो है सिर्फ O के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे ही हर एक एटम जो है वो कंबाइन होकर रहता है, दूसरे एटम्स के साथ रहता है। जैसे हम आपको बोल दें कि आप एक लोन प्लेस पे जाके अकेले रहो तो आपको मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अकेले रहना पसंद नहीं करता। वैसे ही एटम्स में भी एक टेंडेंसी है कि उन्हें भी अकेला रहना नहीं पसंद, वो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, कंबाइन रहते हैं। तो जब एटॉमिक रेडियस गिनना होता है हमें, तो आइसोलेटेड एटम लेना पड़ता है। आइसोलेटेड एटम यानी जो अकेला एटम हो, यानी ऑक्सीजन का अगर हमें गिनना है तो सिर्फ ओ एटम लेना पड़ेगा। पर हमने तो अभी देखा कि जो एटम्स हैं वो कभी भी आइसोलेटेड रहते ही नहीं है, यानी अकेले रहते ही नहीं है। तो फिर हम एटम का रेडियस गिनेंगे कैसे? तो वो ऐसे गिनेंगे कि लेबोरेटरी में हम एटम्स को ब्रेक करवाएंगे, ठीक है, उसे अकेला आइसोलेट करवाएंगे, फिर हम एटम का रेडियस गिनेंगे। तो एटमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। अब मैंने आपको बताया कि एटम जो है वो बहुत स्मॉल होता है। अब एटम खुद ही इतना स्मॉल है तो उसका जो रेडियस है वो भी ऑफ कोर्स स्मॉल होगा। तो रेडियस जो है एटम का वो नैनोमीटर्स में गिनते हैं। और वन नैनोमीटर कितना होता है, वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। देख सक रहे हो आप लोग कितना स्मॉल है, वन नैनोमीटर यानी 10^-9, डायरेक्ट माइनस में चला गया है पावर, इसलिए वो बहुत स्मॉल है। 10^-9 का मीटर का मतलब क्या होता है, जैसे 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर में आप 0.000 करके ये जो जीरो है वो 9 बार लगा दो, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, फिर 1 लिखो, ये हो गया 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इतना होता है, देख सकते हो आप लोग कितना स्मॉल है। और यहाँ पे आपको दिया है 1/10^9 मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। तो ये वही नहीं हो गया कैसे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-9 मीटर। तो ये तो वही हो गया ना कि जो 1 नैनोमीटर है वो इक्वल हो जाएगा 10^-9, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप इसको डिवाइड में लेके जाओ। मतलब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी लास्ट साल कि a^-m इज इक्वल्स टू 1/a^m, यानी पावर जब ऊपर से नीचे आती है तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 10^-9 है, इसको अपॉन में लिखेंगे तो 1/10^9 हो जाएगा मीटर। तो ये सेम नहीं होगा क्या? आप कंपेयर करके देखिए, जो नीचे वाला है फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको दिया गया है उससे ज़रा इसको कंपेयर कीजिए, इसको और इसको, दोनों सेम नहीं हो गए, 1 नैनोमीटर का 1 नैनोमीटर और ये वाला सेम है इसको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है वो है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10^9 नैनोमीटर, राइट। तो फिर से मैंने आपको बताया एक इक्वेशन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-9 मीटर। तो ये जो 10^-9 है ये इसको आप यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे लेके आ जाएंगे। जब इक्वल टू से हम चेंज करते हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे 10^ को चेंज करते हैं तो फिर से वही होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो 10^9 को माइनस 9 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10^9 यानी प्लस हो जाएगा। तो 10^9 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यानी 1 बचा, 1 मीटर। तो ये और ये इक्वेशन सेम हो गई। तो आप इस इक्वेशन से कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एटम्स के आपको दिए गए हैं एटमिक रेडियस। जैसे देखिए हाइड्रोजन एटम का जो एटमिक रेडियस है वो है 10^-10 मीटर्स में दिया गया है।
वाटर का जो है वो है 10^-9। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपके ब्लड में एक पार्टिकल होता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। आपने सुना भी होगा कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है इसका कम हो गया है किसी पर्सन का या ज़्यादा हो गया है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो भी एटम है। तो उसका जो मॉलिक्यूल है उसका रेडियस होता है 10^-8 मीटर। ये आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दैट इज एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी। एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं तभी तो हमको माइक्रोस्कोप लगते हैं। और कौन कौन से माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तीन माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते हैं एटम को देखने के लिए और एटम की एनलार्ज्ड इमेजेस यानी एटम को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, फिर द एटमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द एटम। अब हमने देखा कि एटमिक साइज जो है उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस यानी न्यूक्लियस के बीच से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, उसे कहते हैं रेडियस। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एटम की जो साइज है वो ऑर्बिट्स पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा एटम में ऑर्बिट होंगे उतने ज़्यादा एटम की साइज होगी। द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स द लार्जर द साइज। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ पोटेशियम, के यानी होता है पोटेशियम, इज बिगर देन द एटम ऑफ सोडियम। एन ए का मतलब होता है सोडियम। ठीक है, तो जो सोडियम का एटम है वो छोटा होता है और जो पोटेशियम का एटम है वो बड़ा होता है। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ कि एक एटमिक नंबर करके कंसेप्ट होता है। एटमिक नंबर क्या होता है, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहा जाता है एटमिक नंबर। मान लीजिए कि कोई एटम है, ठीक है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटमिक नंबर 5 हो जाएगा। कोई एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटमिक नंबर हो जाएगा 20। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतना एटमिक नंबर। तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम का एटमिक नंबर होता है 19। अब पोटेशियम का एटमिक नंबर अगर 19 है तो मुझे ये बताइए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑफकोर्स 19। और सोडियम का एटमिक नंबर होता है 11, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑफकोर्स 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम यहाँ पे एटम्स को ड्रॉ करते हैं। सोडियम का हो गया ये बीच का न्यूक्लियस, थोड़ा छोटा, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। फिर बाहर एक ऑर्बिट और दो ऑर्बिट और तीन ऑर्बिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा ही दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन सोडियम का एटमिक नंबर तो 11 होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में आ गया। अब हम ड्रॉ करते हैं पोटेशियम का एटम, ये तो था सोडियम का एटम, ये था सोडियम का एटम। अब हम ड्रॉ करते हैं पोटेशियम का एटम, तो फिर से बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट, उसके बाहर और एक ऑर्बिट, ठीक है, उसके बाहर और एक ऑर्बिट। तो पोटेशियम में भी सेम, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में 8 आ जाएंगे, 8 आ गए, कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन पोटेशियम का एटमिक नंबर तो 19 होता है, तो बचे कितने, और 9 बच गए। तो 9 बच गए, लेकिन एक ऑर्बिट में हमेशा ही 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पहले ऑर्बिट को छोड़ के। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और बाकी के जितने भी है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो थर्ड ऑर्बिट में भी आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इसमें गिनोगे तो कितने हो गए, 18, लेकिन पोटेशियम में तो 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, वो आ गया फोर्थ ऑर्बिट में। तो आप मुझे बताओ सोडियम का एटम बड़ा होगा या पोटेशियम का, ऑफकोर्स पोटेशियम का, क्यों, क्योंकि इसमें तो 4 ऑर्बिट्स हैं, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट्स हैं जबकि सोडियम में कितने हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं, इसीलिए जो पोटेशियम का एटम है वो बड़ा होता है सोडियम के एटम से। इफ़ टू एटम्स हैव द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट देन द एटम हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज स्मॉलर देन द वन हैविंग फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ मैग्नेशियम इज स्मॉलर देन द एटम ऑफ सोडियम। अब आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर दो एटम्स में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो कौन बड़ा होगा और कौन छोटा, ये कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा।
फिर से हम यहाँ पे सोडियम ड्रॉ करेंगे और मैग्नीशियम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पोटेशियम का होता है 12, ठीक है। तो सोडियम ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर का जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाहर का जो ऑर्बिट होगा यानी सेकेंड ऑर्बिट, उसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 10, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया है तो वो आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। ये है थर्ड ऑर्बिट, इसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब ड्रॉ करते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है, फिर से फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल हो गए 10, लेकिन अभी भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गए तो वो आ जाएंगे थर्ड ऑर्बिट में। तो इसके थर्ड ऑर्बिट में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या देखा, देखा जो सोडियम का एटम है उसके थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो मैग्नीशियम का एटम है उसके थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा एटम बड़ा है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है या जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे कि ये वाला बड़ा है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो ये है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस उस ऑर्बिट को अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा खींचता है। जी हाँ, न्यूक्लियस जो है एक फोर्स लगाता है ऑर्बिट्स पर, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ ऑर्बिट्स को खींचता है। तो आप बताइए न्यूक्लियस किसको ज़्यादा खींचेगा, इस वाले को खींचेगा या इस वाले को खींचेगा। ऑफकोर्स इस वाले को, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये जो है एटम भी सिकुड़ जाता है, यानी इसका साइज कम हो जाता है। तो साइज इसका कम हो गया यानी इसका साइज जो है वो बड़ा होगा इससे, इसीलिए सोडियम का जो साइज है वो बड़ा होता है मैग्नीशियम से। तो हमने देखा कि दो एटम्स हैं, ठीक है, दो एटम्स हैं, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो सेम है, तो कौन सा एटम बड़ा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो एटम बड़ा होगा। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए जो आगे का चैप्टर है या आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आपको जाते जाते मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, और वो क्वेश्चन ये है, आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास, कि आपको मुझे बताना है कि एक एटम है जिसमें दो ऑर्बिट्स है, ठीक है, दो ऑर्बिट्स है, और एक एटम है जिसमें तीन ऑर्बिट्स। तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा एटम का साइज बड़ा होगा, दो ऑर्बिट वाले का बड़ा होगा या थ्री ऑर्बिट वाले का बड़ा होगा, साइज बताना है आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, इससे आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि आपको कितना समझा है। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय स्टडी। मुस्का मुस्का मिके मुस्का मुस्का।